हरे कृष्णा। तभी हम भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 19 पर विचार करेंगे। श्री भगवान उवाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। तो यहाँ पर श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? हंत ते कथयिष्यामि। हंत का मतलब है कि अच्छा, ठीक है। हंत का अर्थ है अच्छा, ठीक है। ते कथयिष्यामि, तो मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा? दिव्या ही आत्मविभूतिया, अपनी दिव्य विभूतियों को बताऊंगा। प्राधान्यतः, तो प्रधानता से बताऊंगा, मतलब संपूर्णता से नहीं, प्रधानता से बताऊंगा। कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, नास्ति अंतो विस्तरस्य में, तो मेरे विस्तार का अंत नहीं है। तो भगवान की विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है, तो फिर संपूर्णता से नहीं बता सकते हैं। तो अर्जुन ने तो कहा था विस्तरेण कथा तृप्तिर ही, विस्तरेण योगम विभूतिम कथाए। तो अर्जुन ने कहा था विस्तार पूर्वक बताइए, तो भगवान ने कहा कि विस्तार पूर्वक नहीं बताऊंगा, प्रधानता पूर्वक बतलाऊंगा, क्योंकि ना अस्ति अंतो विस्तरस्य में, मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियाँ सीमित हैं, अतः उनसे श्री कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन श्री कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि श्री कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनके विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्राधान्यतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इन सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है, जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ है विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी ना तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाता है, न उनकी दैवीय शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियाँ अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब श्री कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी विभूतियों का वर्णन विस्तार पूर्वक सुनाइए। अर्जुन की इस बात पर अब श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का जो वर्णन करेंगे, वह वर्णन मनुष्य की लीला के अनुसार नहीं हो सकता है। ये वर्णन तो श्री भगवान की क्षमता के अनुसार होगा, इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए श्री भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 85 में श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी भी श्री कृष्ण को अपना पुत्र ना मानकर, बल्कि उन्हें श्री भगवान मानकर स्तुति करने लगे। हे श्री कृष्ण, हे योगी श्रेष्ठ, मैं जानता हूँ कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण हैं। हे दिव्य प्रभु, आपने इस विचित्र ब्रह्मांड की रचना अपने में से की और तब अपने परमात्मा स्वरूप से आप इसके भीतर प्रविष्ट हुए। इस प्रकार हे अजन्मा प्रभु, आप प्रत्येक व्यक्ति के प्राण
अवस्था चेतना के रूप में सृष्टि का पालन करने वाले हैं। आपने ही चंद्रमा में कांति उत्पन्न की है, आपने ही अग्नि में तेज उत्पन्न किया है, आपने ही सूर्य में चमक उत्पन्न की है, आपने ही तारों में टिमटिमाना उत्पन्न किया है, आपने ही पर्वतों में स्थिरता उत्पन्न की है, आपने ही पृथ्वी में सुगंध उत्पन्न की है, आपने ही जल में ऐसा रस उत्पन्न किया है जिससे प्यास बुझ जाए, आपने ही बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति उत्पन्न की है तथा आप ही जीवों को वस्तुओं का सही सही स्मरण कराते हैं। हे श्री कृष्ण, आप मेरे पुत्र नहीं हैं, आप तो पृथ्वी के ऊपर दुष्ट राजाओं का भार उतारने के लिए स्वयं अवतीर्ण हुए हैं। मैं आपके शरण लेने के लिए आपके चरण कमलों के निकट आया हूँ। इति वसुदेव जी के द्वारा कहे हुए इन शब्दों से पता चलता है कि श्री कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। यद्यपि वे अधिकांशतः मनुष्य जैसे ही लीला करते हैं, इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं, हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः, अर्थात हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करूँगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण हंत शब्द का प्रयोग करते हुए अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। हंत शब्द के अनेक प्रयोगों में से एक प्रयोग प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए भी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण हंत शब्द का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये अत्यंत सौभाग्य की बात है कि तुम्हें मेरे गुणों को सुनने में इतना अधिक अनुराग हो रहा है। मेरे गुणों को सुनने से जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा प्राप्त होता है। मेरे गुणों को सुनने से ऐसे लोगों को विशेष आनंद प्राप्त होता है जिनकी इस जगत के भोगों में कोई तृष्णा नहीं है। कोई व्यक्ति यदि कसाई के समान कठोर हृदय वाला है, केवल वही मेरी महिमा को नहीं सुनना चाहता है। हे अर्जुन, या तो मैं स्वयं कहूँ अथवा कोई मुक्त पुरुष कहे, तभी लोग भवबंधन से छूट सकते हैं। जो लोग धूर्त व्यक्तियों से भगवद गीता सुनना पसंद करते हैं, जो भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत ना करके उसे अपनी इच्छा के अनुसार तोड़ते मरोड़ते हैं, वे लोग असली लाभ से वंचित रहते हैं। बड़े बड़े विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक अपने ही दूषित तरीके से भगवद गीता पर प्रवचन करते हैं और सामान्य लोग इन्हीं से सुनते हैं, क्योंकि वे मेरे भक्त से मेरे गुणों को सुनने में रुचि नहीं रखते। इसलिए अच्छा यही है कि या तो साक्षात मुझसे गीता सुनी जाए अथवा किसी ऐसे भक्त से सुनी जाए जो मेरी सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन नहीं रखता है। हे अर्जुन, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो जो साक्षात मुझसे गीता के विषय को सुन रहे हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं अभी जिन विभूतियों का वर्णन करने जा रहा हूँ, ये सभी विभूतियाँ मेरी अपनी ही विभूतियाँ हैं। ये सभी विभूतियाँ मुझसे स्वतंत्र नहीं हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी ना तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाता है, न उनकी दैव्य शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियाँ अनेक रूपों में फैली हुई हैं। इति तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि जो लोग परम सत्य को निराकार मानते हैं, वे श्री कृष्ण के ऐसे गुणों को नहीं समझ सकते हैं। जो तत्व तो निराकार है, उसके पास कोई शक्ति नहीं होती है। इस प्रकार निराकारवादी लोग श्री कृष्ण के इन ऐश्वर्यों को समझ नहीं सकते हैं। इन वर्णनों के द्वारा ना तो उन्हें कोई प्रसन्नता होती है तथा ना ही वे श्री कृष्ण को निराकार मानकर श्री कृष्ण को ही प्रसन्न कर पाते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद निर्विशेषवादी तथा सर्वेश्वरवादी इन दो प्रकार के लोगों की चर्चा कर रहे हैं। निर्विशेषवादी लोग श्री कृष्ण को निराकार मानकर उनके गुणों का आनंद नहीं ले पाते हैं तथा सर्वेश्वरवादी लोग सभी जीवों को ईश्वर मानकर श्री कृष्ण के इन गुणों का आनंद नहीं ले पाते हैं। केवल वे भक्त ही श्री कृष्ण के गुणों का आनंद लेते हैं जो मानते हैं कि केवल श्री कृष्ण में ही ऐसे गुण हैं, अन्य किसी भी जीव में नहीं हैं। कोई भी जीव ना तो श्री कृष्ण के समान
बन सकता है तथा न ही श्री कृष्ण से बढ़कर बन सकता है। श्री कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर हैं तथा उनके ही इशारे से संपूर्ण जगत का पालन तथा सृजन होता है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु में यदि कुछ शक्ति या प्रभाव दिखाई देता है तो वह श्री कृष्ण की ही शक्ति या प्रभाव है। श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर यदि कोई जीव अपने को प्रभावशाली या शक्तिशाली समझता है तो वह अत्यंत अज्ञान में है। अब दूसरी शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अंतः विस्तरस्य मे। अर्थात हे अर्जुन, मैं प्रधानता से अपनी विभूतियों का वर्णन करूँगा क्योंकि मेरे विभूतियों का अंत नहीं है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं अथवा उनसे श्री कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके विस्तार का अंत नहीं है। पद्म पुराण के पाताल खंड में शेष जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की महिमा का एक ऐसा महासागर है जिसकी थाह का पता नहीं लगाया जा सकता है। जिस प्रकार एक मच्छर की शक्ति नहीं है कि महासागर की थाह का पता लगा सके, उसी प्रकार शेष जी में भी शक्ति नहीं है कि वे श्री कृष्ण की महिमा का अंत पा सकें। ये बात समझने की है कि यदि शेष जी की ऐसी स्थिति है तो हम किस प्रकार श्री कृष्ण की महिमा का अंत पा सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी महिमा के विस्तार का कोई अंत नहीं है। इस संबंध में उसी पद्म पुराण के पाताल खंड में शेष जी कहते हैं कि जिस प्रकार अत्यंत विस्तृत आकाश में पक्षी अपनी गमन शक्ति के अनुसार उड़ते हैं, उसी प्रकार शेष जी भी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं, परंतु वे श्री कृष्ण की महिमा का उसी प्रकार अंत नहीं पाते हैं जिस प्रकार एक पक्षी आकाश में उड़ता हुआ आकाश का अंत नहीं पाता है। जिस प्रकार पक्षी ये चिंता नहीं करते कि आकाश का अंत कहाँ है, बल्कि वे आकाश में उड़ने का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार भक्त लोग भी श्री कृष्ण के महिमा के अंत को जानने की चिंता नहीं करते हैं, बल्कि वे श्री कृष्ण की महिमा का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी महिमा के विस्तार का अंत नहीं है। इस संबंध में गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 13 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण ने शेष जी को आज्ञा दी कि वे संपूर्ण भूमंडल को अपने सिर पर धारण करें, उस समय शेष जी ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी का भार उठाने के लिए आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिए। जितने दिन की अवधि होगी उतने समय तक मैं आपकी आज्ञा से भूमि का भार अपने सिर पर धारण करूंगा इति। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, हे नागराज, तुम अपने हजार मुखों से प्रतिदिन पृथक पृथक मेरे गुणों से स्फुरित होने वाले नए नए नामों का सभी ओर से उच्चारण किया करो। जिस समय मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जाएं, उस समय तुम अपने सिर से पृथ्वी का भार उतार कर सुखी हो जाना इति। ये समझने की बात है कि श्री कृष्ण की आज्ञा से शेष जी तब से अभी तक श्री कृष्ण के दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए अंत नहीं प्राप्त कर सके हैं। तो विचार करने की बात यह है कि यद्यपि शेष जी के सिर पर संपूर्ण पृथ्वी का भार है, तथापि उस भार से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण के दिव्य नामों का उच्चारण कर रहे हैं कि जिस समय श्री कृष्ण के नाम समाप्त हो जाएंगे उस समय वे पृथ्वी के भार से मुक्त हो जाएंगे। परंतु शेष जी का यही सुख है कि उन्हें श्री कृष्ण के दिव्य नामों का अंत नहीं प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कुरुश्रेष्ठ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अर्जुन वास्तव में समस्त कुरुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए श्री कृष्ण उन्हें स्वयं गीता का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। श्री कृष्ण के कारण अर्जुन में ऐसा प्रबल पराक्रम आ गया था कि सभी देवता लोग भी विस्मित होते थे। अर्जुन कुरुश्रेष्ठ हैं क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन के बिना उन्हें संपूर्ण जगत सूना लगता था। अर्जुन कुरुश्रेष्ठ हैं क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा से वे
राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर मत्स्यलक्ष्य का भेदन कर सके तथा उन्होंने द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया। अर्जुन कुरुश्रेष्ठ हैं क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने खांडव वन को जलाने के समय इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित पराजित किया। अर्जुन संपूर्ण कुरुवंशियों में श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनके घनिष्ठ मित्र श्री कृष्ण हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हे अर्जुन ने बलि सुन विभूति आमार, या हर नाहे के अंत अनंत अपार, प्रधानते बलि किछु सुन मन दिया, कुरुश्रेष्ठ ने जय श्रेष्ठ बुझ से सुनिया। तो यहाँ पर भगवान अब बोलना शुरू कर रहे हैं। अर्जुन ने 18वें श्लोक में जो कहा था कि विस्तार पूर्वक विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम चा जनार्दन, अपना योग विस्तार पूर्वक और विभूति को विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, तो उसी के उत्तर में अब भगवान कहते हैं, हंत ते कथे श्यामी दिव्या आत्म विभूति, कि अब हे अर्जुन मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करूँगा। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ है, तो प्रधानता से मैं करूँगा, विस्तार से नहीं करूँगा, प्रधानता से करूँगा। क्यों? नास्त्यंतो विस्तरस्य मे, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, है ना। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ शब्द से संबोधित कर रहे हैं। तो कुरुश्रेष्ठ का मतलब क्या है? जो कुरु महाराज कुरु के वंश में जितने लोग हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ, तो अर्जुन सर्वश्रेष्ठ हैं महाराज कुरु के वंश में, और महाराज कुरु के नाम पर ही ये कुरुक्षेत्र ये स्थान है जहाँ की प्रवचन हो रहा है। तो ये जो कुरुक्षेत्र है तो ये महाराज कुरु के नाम से पड़ा है, तो कुरु महाराज ने एक ऐसा क्षेत्र सोचा कि बनाया जाए, एक ऐसा क्षेत्र उन्होंने बनाने का सोचा, बनाने की बात सोची कि जिसमें कोई व्यक्ति केवल आकर के ही धर्म का लाभ प्राप्त कर लेगा, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस क्षेत्र में केवल आकर के ही धर्म का लाभ प्राप्त कर ले। तो भगवान विष्णु ने महाराज कुरु की इच्छा पूरी की, तो इसमें कुछ लंबी चर्चा है, लेकिन उनकी इच्छा भगवान ने पूरी की, तो उनके ही नाम पर कुरुक्षेत्र ये स्थान का नाम पड़ा है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ है, तो प्रधानता पूर्वक हे कुरुश्रेष्ठ कथयिष्यामि, मैं कहूँगा, क्या कहूँगा, आत्मविभूतयः दिव्या आत्मविभूतयः, मैं अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करूँगा, है ना। आप प्रधानता पूर्वक क्यों करेंगे, संपूर्णता पूर्वक क्यों नहीं करेंगे? तो फिर अगले पंक्तियों में भगवान कहते हैं, न अस्ति अंतो विस्तरस्य मे, कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, है ना। तो चूँकि श्री कृष्ण के विस्तार का अंत नहीं है, तो भगवान जो है अर्जुन के अनुसार जितना अर्जुन समझ सकें उसके अनुसार अर्जुन को भगवान अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं, है ना। न अस्ति अंतो विस्तरस्य मे, है ना। तो चूँकि ये जो समय है कुरुक्षेत्र में जिस समय अर्जुन श्री कृष्ण से गीता का उपदेश सुन रहे हैं, तो ये बहुत ही विशेष अवसर है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने संबंध में सामान्यतः कुछ नहीं बताते। जैसे कोई व्यक्ति जो है भारत का प्रधानमंत्री है या कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, तो अपने मुँह से वो बताता नहीं है अपने बारे में कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो श्री कृष्ण हैं तो वे भी नहीं चाहते हैं कि वे अपनी जो है महिमा बताएं, तो श्री कृष्ण भी अपनी महिमा नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर
अर्जुन को श्री कृष्ण की महिमा बता रहे हैं, तो एक बहुत ही विशेष ये अवसर है कि भगवान अर्जुन को अपनी महिमा बताते हैं, है ना। तो भगवान का ऐश्वर्य असीम है, प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान का ऐश्वर्य असीम है, फिर भी जो भक्त लोग हैं तो उनके ऐश्वर्य उनके गुणों की चर्चा फिर भी करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, है ना। तो ये जो है भक्तों का स्वभाव होता है, भक्तों का आनंद होता है कि वे जो है अपनी क्षमता के अनुसार श्री कृष्ण के बारे में अधिक से अधिक सुनते हैं और बताते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।